Welcome to our show, that is painting. Today we have a very interesting topic, that is folk painting of India. So बच्चे, मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आएगा. तो आप भी अपना क्वेरीज अपने कॉपी में लिख के रखिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद. So हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम को. What is folk art? जरूर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा. तो चलो हम जानते हैं फोक आर्ट क्या है. लोक कला विश्व की पारंपरिक संस्कृतियों की अभिव्यक्ति है. लोक कला उन व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है जिनके रचनात्मक कौशल किसी व्यक्ति या विशिष्ट कलात्मक पहचान के बजाय उनकी सामुदायिक प्रामाणिक संस्कृति पहचान को व्यक्त करते हैं. भारत की लोक कला बहुत प्राचीन है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है. कलाकारों ने महाकाव्य देवी देवताओं से कला के विषय को अपनाया. पुराने दिनों में कलाकार प्राकृतिक रंगों, मिट्टी, लकड़ी का कोयला और ड्राई लीव्स जैसे सूखे पत्तियों का इस्तेमाल करते थे. कला में पुरातनता लाने के लिए उनके कैनवस और कपड़े पर पेंटिंग करते थे. तो कौन सा पेंटिंग, चलो आपके सामने है, आप देखिए जरा. तो 8 लोक चित्र भारत में मान्यता प्राप्त है. आप देखिए क्या क्या लोक चित्र लोक कलाएं हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, कालीघाट पटचित्र, फ्लोर पेंटिंग, वाली पेंटिंग, थंका पेंटिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. तो कालीघाट पटचित्र किसे कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल की लोक चित्रकला है. यह कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, मतलब ये कला वहीं से इसका शुरुआत हुई है. इस कला के विषय के रूप में उपयोग किया जाता है विभिन्न हिंदू देव देवताओं और अन्य पौराणिक कहानी के चित्रों. ये कालीघाट पेंटिंग का चित्र है. देवी दुर्गा बैठी हैं, उनके गोद में गणेश उनका ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं. तो इस तरह की पेंटिंग वो बनाते थे कालीघाट पटचित्र में. ये पेंटिंग को देखने से ही आपको लगेगा कि इसमें जो स्टाइल है, जो बनाने का स्टाइल है, सारे चित्र में एक स्टाइल मेंटेन करते थे तब के कालीघाट आर्टिस्टों ने. कालीघाट के चित्रकारों ने अपने माध्यम का इस्तेमाल व्यंग के माध्यम से ब्रिटिश प्रभावित भारतीयों के साथ व्यवहारिक आलोचना को दिखाने के लिए कोशिश की है. नए रिच यानी आमिर बंगाली उदाहरण के लिए भारतीय कलक यानी बाबू वाला स्टाइल है, उस स्टाइल को उन्होंने अपनाए थे. अपने ब्रिटिश की तरह कपड़े पहनने और व्यवहार करने की इच्छा रखते थे. इस पेंटिंग में एक नाई अपनी पागरी में पिन लगाकर एक महिला ग्राहक के कान साफ कर रहा है. एक फैशनेबल महिला वो एक हुक्का पीती है, जैसे कि बंगाली बाबुओं ने अपनी दरबारियों के साथ समय बिताते थे, वही चित्र के रूप में चित्रित किया गया. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में उनको ताना मारने का एक बहुत ही सुंदर स्टाइल है. और ये सिर्फ ताना नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग उस समय चित्रकारों ने कालीघाट चित्रकारों ने बनाते थे. उनकी सामाजिक स्थिति का भेद वेशभूषा और पहनावे द्वारा चिन्हित किया गया है. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाई अ फ्लैट बैकग्राउंड एंड प्रीडोमिनेंट यूज ऑफ कलर्स लाइक ब्लैक, रेड एंड येलो फिगर्स आर राउंडिश इन ट्रीटमेंट एंड स्किन इज लेफ्ट व्हाइट. यूज ऑफ द लाइट एंड शेड टू ब्रिंग मॉडलिंग इज अ नोटिसेबल एलिमेंट ऑफ कालीघाट पेंटिंग. इट सीम्स दैट कालीघाट पेंटर्स वेर फैसिनेटेड विथ jewelry and ornaments. The big earring with pearl and interesting to note linearity is another characteristics of this folk forms. Now we will talk about the daily life in village, right? Kalighat painting ye jo composition hai bahut hi beautiful hai, iski eyes dekhne se aapko bilkul pata lag jayega ki this is Kalighat painting. So now let us learn about kalamkari painting. This is one of the another folk painting of India. So now you can see the traditional kalamkari painting. ये एकदम traditional kalamkari painting इसलिए कहा जाता है, उस समय पे ये painting इस तरह से बनाया जाता था. आजकल marketing की वजह से काफी changes इसमें आ गया है.
सो इसमें जो कलर भी यूज किया है लोकल कलर, लोकली अवेलेबल कलर यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल से, फ्रूट से, पत्ते से, कोयला से, पत्थर से डिफरेंट डिफरेंट कलर बना के वो यूज करते थे. दिस इज अ ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग. सो दिस इज अनदर कलमकारी पेंटिंग. आप अच्छी तरह से देखिए, उन्होंने जो कलर डाल रहे, कलम से कलर डाल रहे हैं वो, कलम कलम से कैसे कलर डाल रहे हैं, रेड कलर का वो पूरा भर रहे हैं उसमें. और कलम को किस तरह से पकड़ के वो कलर डालते थे और पेंटिंग को कितनी सुंदर से बनाते थे, आपको देखने से हमें हैरान हो जाते, हम चकित हो जाते कि कितनी सुंदर तरीके से मामूली सा कलम से, क्योंकि कलमकारी के बारे में हम जानेंगे जरूर, फिर भी हम एक बार एक छोटा सा बात आपको बता दें, कलमकारी कलम से कारी किया है, कलम से पेन से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाया, तभी इसको कहते हैं कलमकारी. और कलम से ड्राइंग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है. तो उन्होंने कलर भी उसमें डाल रहे थे, किस तरह से वो कलर डाल रहे थे आपके सामने है. तो चलो हम जानते हैं कलमकारी पेंटिंग के बारे में. मध्ययुगीन इस्लामी शासन के तहत कलमकारी शब्द कलम शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ तेलुगु में कलम मतलब पेन, और कारी जिसका अर्थ है शिल्प कौशल. गोलकुंडा सल्तनत के संरक्षण में कलमकारी पेंटिंग लोकप्रिय हो गई. कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्पादित एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है. कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता था, जिसमें 23 चरण शामिल होते थे. भारत में कलमकारी कला की दो विशिष्ट शैलियां हैं, श्रीकलहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली. दो विशिष्ट शैलियां हैं ये कलमकारी पेंटिंग है, कलमकारी आर्ट भी हम कह सकते हैं. इसमें ट्री ऑफ लाइफ ये थीम है इसका, ये भी एक ब्यूटीफुल थीम है, ब्यूटीफुल पेंटिंग है कलमकारी पेंटिंग का. इस थीम से काफी सारे उन्होंने पेंटिंग बनाया है. इस थीम का भी बहुत सुंदर मीनिंग रहता है. चलो हम जानते हैं इस थीम का मीनिंग क्या है, किस तरह से क्या सोच के कलमकारी आर्टिस्टों ने ये पेंटिंग को बनाए थे. ट्री ऑफ लाइफ ये जो थीम से जो पेंटिंग बनाए थे इसके बारे में हम जाने. कलमकारी पेंटिंग ट्री ऑफ लाइफ एक विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसकी जड़े आकाश की ओर बढ़ते हुए गहरी होती है. यह आकाश, पृथ्वी और अधोलोक मतलब अंडरवर्ल्ड, जैसे एक पेड़ ऐसे बड़ा होता है वो ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आकाश पृथ्वी का मतलब हम जहां पे पेड़ खड़े हैं ऐसे सीधा जमीन पे, और जड़े उसका नीचे की तरफ जाती है, ऐसे अगर जमीन ये है तो नीचे की तरफ जाती है, तो वो अधोलोक. तो तीनों लोक को जोड़ने का जो एक स्टाइल है ये पेंटिंग में उन्होंने दिखा दिया है. तब के जमाने में ये जो थीम उन्होंने सोचा है, और इस सोच के ये जो सभी तीनों लोक को जोड़ने का जो एक स्टाइल है ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है, और ये बहुत ही फेमस थीम है और बहुत ही फेमस पेंटिंग भी है. तीनों लोक को जोड़ती है. डिजाइन में शाखाओं और पत्तियों के शैलीबद्ध फैलाव पर फूलों के पारंपरिक भारतीय उद्देश्य शामिल है, और मोर सहित कुछ पंछी इस आकृति का हिस्सा है. अब हम फर पेंटिंग के बारे में जानेंगे. फर पेंटिंग ये आपके सामने है. फर पेंटिंग दोनों भागों में डिवाइड किया जाता है. फर पेंटिंग को ऊपर का एक पोर्शन रहता है, नीचे का एक पोर्शन रहता है, लेकिन स्टोरी दोनों में ही मिलता है. एक स्टोरी को हम जो दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हम दो भागों में इसको बनाते हैं. और ये है दूसरा फर पेंटिंग. फर पेंटिंग रॉयल सीन, नॉर्मली वो रॉयल सीन ही बनाते थे. राजस्थान फर पेंटिंग राजस्थान का है, वो रॉयल सीन ही बनाते थे. और किस तरह से राजाओं ने जब युद्ध में अपने आप को जीतने के बाद जिस तरह से वो अपने जोश में रहते थे, जिस तरह से वो अपने आप को अपने राजा का जो जय जयकार करते थे, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया है. छोटी सी पेंटिंग में बहुत सारी चीजें मैसेज दिया जाता है. ये अनदर फर पेंटिंग है राजस्थान की. तो चलो हम फर पेंटिंग के बारे में जाने. फर पेंटिंग क्या है? फर इज वन ऑफ द फेमस फोक पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान, विच जनरली डिपिक्ट्स द रॉयल एंड सेक्युलर थीम्स. दिस पेंटिंग्स आर नैरेटिव इन नेचर एंड आर पेंटेड ऑन फ्लैट बैकग्राउंड. दिस एनलिस्टेड पिक्चर इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ पैनल विच शोज राजस्थानी मैन एंड वुमेन आर एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क. द होल पैनल इज डिवाइडेड इन टू सेम सेगमेंट्स to describe different activities of social life of various people like soldier, worshipper, horse rider and royal attendants on elephant and camel. So, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है.
सोल्जर का भी कहानी रहती है, वर्शिपर जो पूजा करते हैं इस तरह की भी कहानी रहती है, हॉर्स राइड करके कहीं जा रहे या कहीं युद्ध में जा रहे वो भी रहता है, रॉयल अटेंडेंट्स का भी रहता है, रॉयल सीन भी डिफरेंट डिफरेंट राजाओं का भी सीन रहते हैं, बहुत सारे सीन रहते हैं। और इसके साथ एनिमल्स भी रहते हैं, एलिफेंट कैमल, क्योंकि उस समय पे ये ज्यादा एनिमल यूज होती थी। इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल फॉर्मेट इन द कंपोजिशन, अ यूनिटी इज अचीव्ड बाय द पेंटर विच बाइंड्स ऑल एलिमेंट्स into one. All the colors like red, yellow, green, black are very warm and decorative. The picture is full of local characteristics. The main members wear typical Rajasthani costumes like turban, belt and long dress, while the females are in choli, lehenga, dupatta. Both men and women are decked in ornaments. Bolla, a kind of forehead ornaments for Rajasthani women, is also not missed. Everything is there. Human figures are drawn in a very simple manner. Though appear to be short, lines are flanked and are equal thickness. Jhukas or covered balcony in the painting gives a Rajasthani character to the picture. The animal like horse, elephant and specially camel for painted with ornaments. सारे एनिमल को भी ऑर्नामेंट लगाते थे, तभी इसकी खूबसूरती बढ़ती है। एक एलिफेंट बना लिया और उसमें अगर ऑर्नामेंट उसके ऊपर में चादर डाल दिया, चादर को भी डिफरेंट डिफरेंट सुंदर सजा दिया और उसके गले में भी कुछ डाल दिया, डिफरेंट कानों में भी कुछ लगा दिया, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। और जब हम जितना देखेंगे इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी, जितना हम सजाएंगे उस चीज को तब वैसे ही बढ़ेगी। जैसे घर को सजाने से बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को सजाते हैं हमारी अपने आप की खूबसूरती बढ़ती है, तो वैसे ही जब हम एलिफेंट को भी सजाएंगे, पेंटिंग को भी एक बहुत सुंदर से सजाएंगे, बहुत कलरफुल करेंगे, तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ेगी। हमारे प्राइम यहीं पे समाप्त होता है, हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार। वेलकम टू आवर शो दैट इज पेंटिंग। Today we have a very interesting topic, that is folk painting of India. Let us now learn about Madhubani painting. ये भी एक बहुत ही famous painting है, आपके सामने है Madhubani art, Madhubani painting. Madhubani painting में जो चीज सबसे ज्यादा महत्व रखती है रामायण की कथा, different different रामायण की story, different different रामायण की छोटे छोटे picture इसमें दिखाया गया है, दर्शाते हैं वो painting में रामायण को पूरा। जो आर्टिस्टों ने, इसका मतलब आर्टिस्टों ने पूरा रामायण को पढ़े हैं और आर्टिस्टों ने उस रामायण की कथा को छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे सुंदर सुंदर दृश्य में पेंटिंग में दिखाने की कोशिश किया है। और ये मधुबनी स्टाइल आप भी अभी तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस होने लगा है, सारी पेंटिंग ऑलमोस्ट फेमस होने लगा है, तो इसमें काफी सारे चेंजेस आ गया, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल लुक था उसमें रामायण की कथा बहुत सारे दिखाई देता है। मधुबनी आर्ट यह बिहार की लोक चित्रकला है, मधुबनी जिले का तिवारपुर गांव मुख्य केंद्र है। इस पेंटिंग में बिहार क्षेत्र की लोक कथाओं को चित्रित किया जाता है। लोक चित्रकला की इस शैली में कैनवस पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र को चित्रित किया गया है। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी और भी बहुत है, दुलारी देवी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं जो फेमस हुए हैं, अब अभी बहुत सारे इनको भी पुरस्कार मिला है और इनका चित्र भी बहुत देश विदेश में बहुत सारे जगह इनका डिमांड भी बहुत है। मधुबनी कला का विषय रामायण कथा से लिया जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग, और इस पेंटिंग को आप ये ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा सा कंटेम्पररी मिलके ये बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिस्टों ने बनाए हैं, और आर्टिस्ट को हम बहुत ही हम उनको ये सोचते कि कितनी सुंदर तरीके से वो सारी चीज को मेल दोनों को मिलाते हैं। ये जो कथाएं हैं, जो विवाह का अनुष्ठान होती है और विवाह के बाद औरतें घर पे आती है, तब पालकी में जाते थे, पालकी का मतलब क्या है, उस समय पे हमारे पास इतना गाड़ी कार तो नहीं थे, तो पालकी में घोड़े पे भी तब नहीं जा सकते थे, तो पालकी में जाते थे, पालकी में बधू को बड़ बहू को बैठा के वो पालकी में लेके जाते थे विवाह के बाद। तो ये सारी चीजें उन लोग देखते थे और देखने के बाद जब वो बनाते थे सारी चीजें एक एक करके हर चीज को वो अपनाने की कोशिश करते थे। बहुत माइन्यूटली अगर चेक करेंगे तो सारी चीजें इसमें, बहुत सारे मोटिव्स आर देयर, बहुत सारे
स्टाइल्स उन्होंने अपनाए थे और जो जो चीजें वो देखते थे आसपास में वही सारी चीजें बनाने की कोशिश किया था। तो दूसरा क्या है, कोहबर पेंटिंग। कोहबर पेंटिंग के बारे में, कोहबर घर का पेंटिंग इट्स वन ऑफ द फेमस एंड इंटरेस्टिंग पेंटिंग है मधुबनी का। यह माना जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह, वेद और पुराणों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह सबसे सफल था। तो पेंटिंग के माध्यम से देवताओं के समान एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना है। ये डायग्राम आप देखिए, बहुत ही सुंदर एक ऑस्पिशियस पेंटिंग है कोबर घर का। ये पेंटिंग को आप देखने से आपको पता लगेगा कि ये जो कोबर घर का मतलब क्या होता है, उनकी सफल जीवन की कामना करके जो जो चीजें वो बना सकते थे वो कोबर घर में, जहां पे वर वधु आके रहेंगे शादी के बाद, उस घर को सुंदर से सजाते थे ताकि उनकी सफल जीवन, वैवाहिक जीवन सफल हो और बहुत आगे बढ़े और सुंदर से वो अपना जीवन को बिता पाए। तो यही सारे चिंता करके, यही सोच करके इसमें सारे मोटिव्स को डाला है, सारे जितने सारे मोटिव इसमें डाला है, सारे समृद्धि और उनकी सफलता की प्रतीक माना जाता है। आइए इस पेंटिंग के सामान्य विवरण के बारे में हम जाने। ये कोबर घर को हमने जो भी देखा है, हम किस किस तरह से उन्होंने बनाए हैं, क्या सोच के उन्होंने बनाए, हम देखते हैं। ये पेंटिंग नवविवाहितों के विवाह कक्ष की दीवारों पर की जाती है, जिन पर मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण का लेप लगाया जाता था, चित्रों में लग जाता था, तब जाता था, अब भी कभी अभी भी ये चीजें परंपराएं हैं बहुत जगह पे, बहुत लोग मानते भी है इसको। चित्र में फर्टिलिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले मोटिव्स है, जैसे कि कमल के पौधे, बांस के पेड़, मछलियां, पक्षियों और सांपों के संग में चित्रित किया गया था। चित्र में प्रकृति और हिंदू देवी देवताओं भी शामिल है जो घरों की दीवारों पर किए गए हैं। चित्र में रिक्त स्थान फूलों, जानवरों, पक्षियों और यहां तक कि ज्यामितीय पैटर्न से भरे हुए हैं। जो जो खाली जगह रहती है ज्यामितीय पैटर्न से वो भरते हैं वो खाली जगह को, क्योंकि खाली जगह रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तब के जमाने में आर्टिस्ट भी उस तरह से उसको भरते थे। इन चित्रों में पौधे, कोयल, हल्दी आदि के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ फल, सब्जियां, सारी चीजों से ही वो कलर लेते थे और उस कलर को बना के वो उसमें डालते थे। आपके सामने दूसरा मधुबनी पेंटिंग है, दूसरा मधुबनी आर्ट है। इसमें रामायण का भी एक स्टोरी हम सोच सकते हैं कि राम और भरत जा रहे सीता को बीच में बैठा के, हो सकता है और कुछ भी उन्होंने आर्टिस्ट ने वो बनाए हैं, क्योंकि हमें ये चीजें हमने ज्यादातर देखा मधुबनी आर्टिस्टों ने रामायण की कथा को दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की है। मधुबनी पेंटिंग का एक दूसरा आर्ट है, जैसे राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो चार भाई है और राम के साथ सीता भी है। और पीछे देखिए वहां पे एक छोटा सा जगह बचा है तो वो गणेश जी का फोटो बना दिया। तो एक जगह को वो छोड़ते नहीं थे, सारी जगह को भरने की पूरी कोशिश करते थे और यही खूबी है मधुबनी आर्ट की। और नीचे भी एक कहीं ना कहीं सुंदर तरीके से एक पेंटिंग बना के वो रखते थे और सारी चीज को वो दिखाने का जो प्रयास है, सारे समन बैलेंस रहता है और एक रिदम भी रहती है। बैकग्राउंड में हमेशा वो डार्क कलर का यूज करते थे, जब फोरग्राउंड को थोड़ा सा लाइट, जहां पे फिगर बनाया, फिगर को भी हर कोई का ड्रेस को भी बहुत सुंदर तरीके से बनाए, ओवरलैपिंग ड्रेस है लेकिन कलर की वजह से और कलर को इतनी सुंदर तरीके से कलर को बनाया तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी ओवरलैपिंग है, सारे को अलग अलग फिगर को हमें दिखाई दे रहा है। और ये है दूसरा मधुबनी आर्ट, इज अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड डायनामिक एडिशन एनीवेयर एंड एनी टाइम। मधुबनी आर्ट को हम कभी भी किसी तरह से भी हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग रहता है। नॉट ओनली मधुबनी आर्ट, सारे आर्ट हमारे लिए रिफ्रेशिंग रहती है, हमारे माइंड के साथ साथ हमारी तन मन सारी चीज रिफ्रेश हो जाती है। और इस पेंटिंग का जो थीम है, दैट इज म्यूजिक इज लव, बहुत ही खूबसूरत थीम है। एक औरत गाना गा रहे हैं तो हरिन भी, वन में जो हरिन घूमते हैं, डियर्स घूमते हैं, वो भी उस गाने को सुनने के लिए वहीं पे आके सुन रहे हैं। तो एनिमल भी लव करते हैं म्यूजिक से। तो ये सारी चीजें जो मैसेज देने का जो एक स्टाइल है आर्टिस्टों का, बहुत सुंदर स्टाइल होता था और वो भी ये चीज को देखते थे, वो अपने कल्पना भी करते थे कि किस तरह से हम इसको बनाएं और बनाने के बाद वो अपने आप को सुंदर तरीके से इसको सजाने की और कलर भरने की कोशिश करते थे। वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग क्या है? वर्ली पेंटिंग ऑल्सो अनदर फोक पेंटिंग इन इंडिया, अनदर फेमस फोक पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग आर डन बाई वर्ली ट्राइब्स ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र।
It becomes well known internationally due to famous painter Jibba Soma Mase. Jibba Soma Mase के लिए ये well known हो गया internationally. इसका कदर भी बढ़ गया है. देश विदेश में सारी जगह पे ये Jibba Soma Mase का जो painting है सारी जगह पे ये बिकने लगा है. General description के बारे में हम जानते हैं वर्ली painting का. Human figures are simplified into triangles and few straight lines. In spite of this simplification, emotions are expressed in a superb way. The painting is more a statement of human and nature relationship than religious statements. The famous are generally drawn in white on the flat colored background. The picture shows some human figures and animal like monkey and snake. The snake are being fed by this persons. So, आपके सामने है वाली आर्ट रूरल एक्टिविटीज. नॉर्मली वो ट्राइब्स जो आर्टिस्ट होते हैं वो ट्राइब्स होते थे, ट्राइबल होते थे. तो वो अपने आसपास में जो चीजें देखते थे, जिस तरह से वो जीवन व्यतीत करते थे हर रोजमर्रा की जिंदगी में, वो जो जो चीजें वो देखते थे वही बनाने की कोशिश करते थे. क्योंकि उनका वहीं पे रहन सहन, वहीं पे खान पान, वहीं का जो सब कुछ देखते थे, क्योंकि उनका उतना एक्सपोजर नहीं होता था तब के जमाने में. तो वर्ल्डली आर्ट को बनाने के लिए एक सुंदर सा स्टाइल आप देखिए जरा पिक्चर में. ट्राइंगल शेप को बना के उन्होंने काफी सारे फिगर्स बनाए हैं. दिस इज अनदर वर्ल्डली पेंटिंग. ये पेंटिंग क्या है, ये पेंटिंग में भी ये जो एक विवाह का अनुष्ठान है, विवाह का अनुष्ठान में तब भी ये पालकी का टाइम है, तो ये सारे शनाइया बजते थे और कोई ढोलक बजाते थे, वो सारे खुशियां मनाने का एक माहौल दिखाया गया है. बहुत ही सुंदर तरीके से इस पेंटिंग को दिखाया है और डार्क बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का, यही एक खूबी है इनका वाली आर्टिस्ट को बनाने का. दिस इज अनदर वाली पेंटिंग. सारे लोग गाना गाते थे, झूमते थे, डांस करते थे और कितने सारे फंक्शंस करते थे, सारी चीजें. हो सकता है कि ये एक शादी का भी हो सकता है, एक शादी का भी, एक पूजा का भी हो सकता है. तो ये सारी चीज को दिखाने का जो उनका स्टाइल है, सारी पेंटिंग में उनको हमेशा खुशी दिखाने का स्टाइल है. गाना, चित्र, सारी चीजें, डांस, नृत्य, चित्र, गीत, सारी चीजें एक खुशी का इजहार करने का भी स्टाइल होता है, माध्यम होता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट पट्टचित्र आर्ट. पट्टचित्र आर्ट के बारे में हम जानते हैं. पट्टचित्र आर्ट, ये देखिए पट्टचित्र, पट्टा मतलब कपड़े पर चित्रकारी. जैसे कपड़े पर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर भी भरते थे, वो सारी चीजें वो बनाने का एक स्टाइल है पट्टचित्र आर्ट. यह उड़ीसा की लोक चित्रकला है. पेंटिंग सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और भगवान कृष्ण के जीवन में संबंधित दृश्य पर आधारित है. वे समृद्ध रूपरेखा लाल, पीले, गेरू, सफेद और काले रंग के साथ प्रकट होते हैं. पिथोरा पेंटिंग क्या है? इट इज अ फोक पेंटिंग ऑफ ट्राइब्स ऑफ गुजराती. इट इज मोर देन रिचुअल रेदर देन आर्ट फॉर्म. दिस इज अ पिथोरा पेंटिंग. अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते थे, एक लाइन पे हमेशा उनका पिथोरा पेंटिंग रहता था. और थंका पेंटिंग क्या है? ये एक तिब्बती लोक चित्रकला है. इस कला में बुद्ध की चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं. सो ये थंका पेंटिंग भी है. इसे तीन प्रकार के वर्गीकरण किया गया है, तिब्बती, बौद्ध दीवारों चित्रकला, बौद्ध जीवन शैली के झलक और दैनिक जीवन के अनुष्ठान और प्रथाएं होती है. सो थैंक यू वेरी मच लानर. हमारे टाइम यही पे समाप्त होता है. हम विदा लेते हैं आपसे. नमस्कार.